in grade 5 this is social studies classes myself or and today again we are going to continue with block 11 our constitution hopefully you all are doing good and also the most important thing you are doing all your studies nicely so guys

प्लीज़ डोंट राइट लाइक दिस सपोज डैट आपने पहला ब्लॉक या अभी जो आप काम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक इलेवन आपका चल रहा है ओके okay? तो सबसे ऊपर आपने डेट डाल दी राइट हैंड साइड फिर आपने ब्लॉक इलेवन लिखा देन नेम ऑफ ब्लॉक इलेवन लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद डेली आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो क्वेश्चंस आपको करने हैं जैसे पहले दिन क्वेश्चन नंबर टू मिला तो वो कर दीजिए दूसरे दिन क्वेश्चन नंबर थ्री मिला वो कर दीजिए लेकिन क्वेश्चन नंबर टू एक पेज में करके पूरा पेज छोड़ दे ऐसा मत कीजिए जब चैप्टर एक है तो पेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो भले ही आपका आधे से ज़्यादा पेज खाली हो लेकिन नया ब्लॉक आप नए पेज से स्टार्ट करेंगे ओके गाइस, आई होप आज जो भी आपको हिंदी में समझाया है ये ध्यान रखेंगे और अब जो भी राइटिंग वर्क आप कर रहे हैं उसमें ये गलतियाँ नहीं होंगी कुछ बच्चों की राइटिंग तो इतनी गंदी है कि पढ़ने में भी नहीं आती तो प्लीज़ आप लोग सुंदर अच्छी साफ़ और रीडेबल राइटिंग में काम करिए ठीक है आदतें बनाने से बनती हैं बिगाड़ने से बिगड़ती हैं तो आपको अपनी आदतें बनानी है अच्छा लिखने की बिगाड़नी नहीं है नाउ कम बैक टू अवर टॉपिक एंड टेल मी हैज़ एनी वन यूवर डन और सैड एनी थिंग टू यू दैट यू फेल्ट वॉज अनफेयर मे बी कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ जो आपने आज तक किसी से शेयर नहीं किया है सो डोंट वरी शेयर विद मी इन दूलिया शेयर करने से टेंशन कम होती है मन का डर कम होता है और अगर किसी अच्छे इंसान के साथ शेयर करते हैं जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें तो हमें हमारी प्रॉब्लम का सलूशन भी मिलता है वॉट वॉज इट अगर सच में कुछ ऐसा था तो वो क्या था अगर मुझसे नहीं शेयर कर सकते तो आपकी फैमिली में जिस पे आप सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं उनसे शेयर करिए एंड एट दैट टाइम हाउ डिड यू फील आई कैन इमेजिन दैट यू फेल्ट लोनली यू फेल्ट क्राइम इज इट सो नाउ नो नीड टू क्राइम share share is the best medicine so guys our today's topic is learning plan 3 equality and today we will understand how different people from different parts of the country are treated in india our today's aim is Explain equality as a constitutional value of India. So, we need some resources. These are S3, content book, and notebook. We also have some special words for our today's topic. These are known as keywords, and today's keywords are equality. Means everybody know equal. There is no discrimination. And abolished. Abolished means removed. Hatadina. Clear? So, guys, first we will do an activity. What you have to do? That uh, you can see a board on your screen. So, I am going to put some colors on it red blue yellow and green what is the serial red blue yellow and green okay now the red group will get 30 minutes of playtime every day clear then group blue

आपका स्कूल मैनेजमेंट या टीचर्स जो भी रूल बना देते हैं आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं और आप उनके लिए उनसे रीज़न भी नहीं पूछ सकते कई बार कंपटीशन में ऐसा हुआ होगा आपको लगा होगा कि आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ बट कोई भी टीचर किसी बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं करता this is only the example okay so first what you have to do you will think a lot of this situation then we will do activity discussion what you will think about this situation we will discuss so i hope you all have done सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द न्यू सिस्टम ऑफ डिसाइडिंग प्ले टाइम ऐट स्कूल अभी आप लोग को टाइम बताया सो वन बाई वन यू विल आंसर द न्यू सिस्टम ऑफ डिसाइडिंग प्ले टाइम ऐट स्कूल इज ग्रुप रेड थर्टी मिनट्स ग्रुप ब्लू फिफ्टीन मिनट्स यू कैन सी

and uh, most students feel that the new system is not good because there is no reason for some students to have more playtime and others to have less playtime. but in previous days, everybody get equal time for playing on the ground. Hmm. so who get less time, they are sad that's why i am with you. so guys, what do you think? it is a good system. why? what is reason of your thoughts? we all are in the same class and same school. we should get all the privileges equally. and this is the equality. But here, nothing happens like this. And students are angry or sad. They all are shouting inside their mouth. It's not fair. It's not fair. So, guys, in India, the people are supposed to be treated equally. According to the Indian constitution. Okay, means there is no discrimination in India. So this is our today's topic: equality. I hope you understand why I gave example of yes, that color glue. Then you are facing. Some unequality, you are feeling low, feeling bad, feeling not good. But thank God we lived in India and there is no discrimination. We all are equal. Okay, guys, now we will do a general discussion about equality. Should people be treated equally? What do you think? And why do you think? Yes, every person has the right to lead a happy life, you study, play, and work. In India, all people are treated equally and are given fair and equal chances. There is no discrimination between religions. You all are studying together, doesn't matter you are coming from which community. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध और एक्सेप्ट्रा पीपुल शुड नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली और डिफरेंटली जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स और अर्न मोर और लेस यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल फतेहपुर के टीचर भी हैं कानपुर के भी हैं साउथ के टीचर भी हैं जैसे पहले सोफिया मैम थी याद आया और हमारे सरो मैम वो भी साउथ से हैं लेकिन क्या कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं है क्या जो अंकल लोग बस चलाते हैं या जो आंटी आपका रूम क्लीन करती हैं क्या उनको आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते करते हैं एंड दैट इज इक्वलिटी कि हम किसी को किसी की बर्थ प्लेस से किसी की वर्क डेजिग्नेशन से डिजिग्नेशन मीन्स होता है कौन किस जगह काम कर रहे हैं लाइक like, कोई प्रिंसिपल है कोई टीचर है कोई बस ड्राइवर है कोई क्लीनर है बट यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल इक्वल दैट इज़ इक्वलिटी

to get an education, all people belonging to different religion and arts of India, and allowed to work in any job they want. Is it ki हम लोग जहाँ चाहे वहाँ education ले सकते हैं. Doesn't matter कि आपका transfer या आपके father का transfer पंजाब से उत्तर प्रदेश हो गया तो आप यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते या आप किसी छोटी कम्युनिटी से आ रहे हैं तो आप जॉब नहीं कर सकते या वो गोरे हैं ये काले हैं तो ये एक साथ बैठ के लंच नहीं कर सकते कैसा होता है नहीं होता वी ऑल आर ट्रीटेड इक्वली सो आई होप दैट नाउ यू डोंट हैव एनी डाउट

इट मीन्स आपके स्कूल में या आपके घर में दादाजी भी हैं पापा भी हैं चाचा भी हैं भैया भी हैं आप भी हैं लेकिन क्या किसी के साथ भेदभाव होता है नहीं ये जनरेशन इक्वालिटी है और वी ऑल आर प्लेइंग टुगेदर इन डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल कंट्री लेवल एंड इन इंटरनेशनल लेवल But there is no discrimination. That is equality. Boys and girls are also playing together in an international stage. Then both are working together. Doesn't matter he or she. This is equality in job. After that, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन यस जेंडर इक्वलिटी डजेंट मैटर आप मैन हैं वुमेन हैं बॉय हैं या गर्ल हैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है कहाँ इंडिया में दैट इज़ इक्वैलिटी कैसा होता है कि आपके स्कूल में जो सर पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी ज़्यादा है या जो मैम पढ़ा रही हूँ उनकी कम है या जो सर पढ़ाते हैं उनको थोड़ा पढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो सर हैं और जो मैम पढ़ाती हैं उनको बहुत पढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो लेडीज़ हैं नहीं दे ऑल आर ट्रीटेड इक्वली दे ऑल आर इक्वल क्लास इज़ इट दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी चाहे हम स्पोर्ट्स में ले लें चाहे कुकिंग में ले लें मास्टर शेफ़ में देखिए वुमेन के साथ साथ मैन भी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं जॉब प्रोफाइल में लीजिए हर ऑफिस में या किसी भी जगह पे आपको मैन वुमेन दोनों मिलेंगे चाहे सफाई की बात करें वहाँ भी दोनों हैं आज यहाँ तक कि ट्रेन में भी केवल मेल ड्राइवर नहीं है फीमेल ड्राइवर भी हैं फीमेल पायलट्स भी हैं दैट इज इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी देन रिलीजन इक्वालिटी नो हिंदू नो मुस्लिम नो सिख नो ईसाई वी ऑल आर इंडियन दैट इज इक्वालिटी रिलीजन इक्वालिटी आफ्टर डैट वी ऑल आर इक्वल एंड दैट इज मैसेज फॉर यू

फॉर द रीजन फॉर सच ट्रीटमेंट हम आगे बढ़ के हेल्प करेंगे और पूछेंगे आखिर उसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव देन वी शुड एक्सप्लेन टू द पर्सन डैट ट्रीटिंग अ परसन ई अनइक्वली इज नॉट राइट एंड इज नॉट अलाउड इन अवर कंट्री इट मीन्स वी विल Talk that person that both are doing. So, guys, now equality. What is equality? Have a look. The law does not treat different people differently. People belonging to all races, religions, and castes are equal men and women are equal every person is allowed to use public property now question of the day and that is what do you mean by abolished what do you mean by abolished now your homework first study block 11 portion Equality. After that, finish S3 and do PQs 4, 6, 7 nicely with questions in your notebook. So, for today, I am going to stop my words. Thank you. Have a nice day. God bless you. Bye.